गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन में गलती से टॉकबैक ऑन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कहीं पे भी टच कर रही हूँ, मेरी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में टॉकबैक होता क्या है। टॉकबैक एक ऐसा फीचर होता है जो अंधे और बहरे लोगों की मोबाइल चलाने में हेल्प करता है। तो उनके टच करने पे मोबाइल फोन बोल के बताता है कि उन्होंने अभी कहाँ पे टच किया है, जिससे उन्हें मोबाइल चलाने में काफी हेल्प मिलती है। वो सुन के मोबाइल का पता लगा लेते हैं कि अभी फोन में क्या चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मेरे हाथ में सैमसंग गैलेक्सी J2S का फ़ोन है, तो मैं इसमें टॉकबैक ऑफ करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसको स्क्रॉल अप करने के लिए आपको डबल फिंगर का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक स्पेशल फीचर होता है, वरना नॉर्मली आप एक फिंगर का यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन इनके लिए आपको डबल फिंगर यूज करनी है और आपको स्क्रॉल अप करना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद आप दो बार टैप करेंगे इस पे, इसके बाद दो फिंगर का यूज करके इसको स्क्रॉल अप करेंगे, इसके बाद एसेसिबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और दो बार टैप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आपको टॉकबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और दोबारा से इसको डबल टैप करेंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे दो बार, ओके को सेलेक्ट करेंगे और डबल टैप करेंगे। आपका टॉकबैक ऑफ हो चुका है। अब आप नॉर्मली एक हाथ से अपना फोन चला सकते हैं, पहले जैसा हो गया आपका फोन। तो आपका टॉकबैक सक्सेसफुली हट चुका है आपके फोन से।